अस्सलाम वालेकुम एसएलए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका इंग्लिश का 48 लेक्चर है। मदर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की रीडिंग ए टू एम कंप्लीट हो चुकी है। हम अगेन उसकी रिवीजन भी कर चुके हैं। अब हम बच्चों को लेटर्स की रिकॉग्नाइजेशन करना सिखा रहे हैं, रिकॉग्नाइज करना सिखा रहे हैं, पहचान करना सिखा रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन जब उससे सेपरेट ये लेटर पूछा जाता है तो उनको उसकी पहचान नहीं होती। तो इसके जरिए इस बच्चे की प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह बच्चे को रीडिंग के साथ साथ लेटर्स की पहचान भी होगी। चलिए बच्चों, अगर आपके पास मदर्स के फ्लैश कार्ड है तो ठीक, वरना आप कापी या रजिस्टर पर ये लेटर्स देख के बच्चे से ये एक्टिविटी करवा सकती है। चलिए बच्चों, आप मुझे बताना शुरू करें। ये मैंने आपको लेटर बताया था ना, विच इज दिस लेटर? आई। विच इज दिस लेटर? आई। आई फॉर आइसक्रीम, वेरी गुड। आई फॉर आइसक्रीम, और क्या बनता है? आई फॉर इग्लू। आई फॉर इग्लू। नेक्स्ट है विच इज दिस लेटर? के। हम अगेन ये पढ़ रहे हैं आपकी, ये अगेन आपकी रिवीजन हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो आपको इन लेटर्स की पहचान होनी चाहिए। विच इज दिस लेटर? के। के फॉर काइट। के फॉर काइट। और क्या होता है? के फॉर किंग। और क्या होता है? के फॉर कैटर। के फॉर कैटर। नेक्स्ट है एल। विच इज दिस लेटर? एल। विच इज दिस लेटर? एल। एल फॉर लायन। एल फॉर लायन। और एल फॉर लैम्प। लैम्प। नेक्स्ट है जे। विच इज दिस लेटर? जे। जे फॉर जैकेट। जे फॉर जैकेट। और जे फॉर क्या होता है? जे फॉर जग भी होता है। जे फॉर जग। नेक्स्ट है विच इज दिस लेटर? जिसकी थ्री लेग्स होती हैं। एम। विच इज दिस लेटर? एम। एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो। और एम फॉर क्या होता है? एम फॉर मंकी भी होता है। एम फॉर मंकी। समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। अब आप मम्मा के पास बैठकर इन लेटर्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपको इनकी रीडिंग के साथ साथ पहचान भी हो। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।